आज ये खूबसूरत सी सुबह अल्लाह के नाम के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जद्दा कॉर्निश पे। हल्की हल्की सी आप देखें डिजली रेन हो रही है, ये देखिए सामने आपको फर्श पे मालूम हो रहा होगा, ठीक है। और ये खूबसूरत मनाजिर जद्दा कॉर्निश पे। जद्दा कॉर्निश से खूबसूरत साहिल पे ये मौजें अपना लुक खुद ही दे रही हैं, ये अल्लाह की कुदरत को जाहिर कर रही हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह। और ये बड़ा खूबसूरत मनाज़र, ये हमने रख ली थी गाड़ी में, फोल्डिंग साइकिल है ये हमारी, और जहाँ जाते हैं हम और ये साइकिलिंग ज़रूर करते हैं। ये आ गई हमारी साइकिल, बहुत इसका ये देखिए, और इसको हमने लॉक हो गई हमारी साइकिल रेडी। चले चलते हैं फिर आपको ट्रैक पे लेके चलते हैं कॉर्निश के। وشمسه ولضى الحنين يذيبني كن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। मैं हूँ राशिद अली खान, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जद्दा कॉर्निश पे, और बड़ा खूबसूरत क्लाइमेट वेदर हो रहा है, और इन द मॉर्निंग ब्यूटीफुल व्यू कॉर्निश से, और हल्की हल्की रेन हो रही थी थोड़ी देर पहले, और आप देख रहे हैं माशाल्लाह तबारकअल्लाह काफ़ी लोग आए हुए हैं एंजॉय कर रहे हैं। और ये जो ट्रैक पे मैं मौजूद हूँ, ये साइकिलिंग ट्रैक है जद्दा का कॉर्निश पे, ये फुल कॉर्निश पे साइकिल ट्रैक आप ये देख रहे हैं सामने, और इस पे हम साइकिलिंग करते हैं। आप देखें ये बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आ रहा है, अगर आपके पास साइकिल है तो आप अपनी गाड़ी में रख के ले कर आ सकते हैं, और यहाँ पर आप साइकिलिंग इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह, और रश भी आज काफ़ी है, और आपको दिखाता हूँ फ्रंट पे, देखें लोग जो साइकिलिंग कर रहे हैं। ये ट्रैक है जद्दा का साइकिलिंग का, और ये जो है कलरफुल जो है पेडेस्ट्रियन ट्रैक है, यहाँ से जो है वॉक की जाती है, और ये वाला जो ट्रैक है राइट पे ये साइकिलिंग का है, देखें इस पर साइकिल एम्बोज हुई हुई है यहाँ पर, ये देखिए, और ये खूबसूरत मनाजिर जद्दा कॉर्निश। कैफ साहब अस्सलाम वालेकुम, कैफ है किंता भाई हबीबी, तमाम ऐसे सुन किंता अलाश इसमे यूसुफ अल हरबी, यूसुफ अल हरबी माशाल्लाह मिन मदीना, ही इज आल्सो फ्रॉम मदीना, मदीना मुनव्वरा, कैफ आरफ आई एम फ्रॉम पाकिस्तान कराची, जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद, या राजा सऊदी या जिंदाबाद जिंदाबाद, आई सलमान अमरु खान, अमरु खान لا رئيس را راشد انا لا رئيس راشد وبك رئيس رئيس كراتي كراتي زي 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 جدا زي جدا ये खूबसूरत सा जद्दा कॉर्निश का कलरफुल साइकिल ट्रैक, और मैं अपनी साइकिल चला रहा हूं अभी, बहुत ही खूबसूरत मंजर दे रहा है। आज काफ़ी अर्से बाद मैंने आपको जैसे पहले बताया रश काफ़ी है सैटरडे को, इसलिए कि आज वेदर बहुत ज़बरदस्त है, और दोपहर का एक बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सुबह हो रही है, सुभान अल्लाह। साइकिलिंग जो है आपको पता है कि आपके सेहत के लिए कितनी ज़बरदस्त है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें गाड़ियों में भी लोग जो है बड़ा लाइक कर रहे हैं साइकिलिंग को, और विक्ट्री का निशान बता रहे हैं कि ज़बरदस्त। और ये जद्दा का हिल्टन होटल बहुत ही खूबसूरत, और ये कॉर्निश पे बना हुआ है, और कॉर्निश पे यहाँ पे जगह जगह प्रीपेड हमाम भी हैं, जहाँ पे करके आप हमाम जा सकते हैं। ये हमारे साथ हमारे फ्रेंड्स माशाल्लाह जद्दा के, व्हाट इज योर नेम प्लीज? माय नेम बासिल बासिल मिन फैन मिन अल मदीना माशाल्लाह मदीना मुनव्वरा, एंड योर मदीना
Your name? Ahmed. This is Ahmed. Ahmed. Medina. MashaAllah, Tabarakallah. And all these people, our friends here in Jeddah, Saudi Arabia, Medina, Munawwara. What's your name? Abudi. 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 From where? From Yemen. From Yemen, MashaAllah. They are from Yemen, MashaAllah. And like us. They are enjoying us. And there are a lot of rush, MashaAllah, Tabarakallah. Jazakallah khair. Jazakallah. Come, Jeddah. Come. My name is Marwan. I'm from Medina, Munawwara. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Bye. अब आपको लेके चलूँगा मैं कॉर्निश पे और सी व्यू आपको थोड़ा सा उसका विज़िट कराता हूँ, कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं और किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ये ख़ूबसूरत ट्रैक जो है यहाँ पे जाके एंड हो जाएगा और हम जो है अब सी व्यू की तरफ चलते हैं। ये ख़ूबसूरत एंट्रेंस ऑफ जद्दा कॉर्निश, यही ब्रिज जो है आपको आगे सी पे लेके जाता है जो हाफ सी के अंदर है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक देता है। यहाँ से आइएगा, एंजॉय कीजिएगा। एक्सरसाइज हमारी हो गई है, साइकिलिंग, बड़ा मज़ा आया, बहुत ही एंजॉय किया। अब शदीद भूख लगी हुई थी तो हम निरारा रेस्टोरेंट से आज पराठे लेके आए थे, हलवा और छोले। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं निराला के ये छोले और ये हलवा। और आपको मैं पराठा दिखाता हूँ निराला का। ये अल्लाह खैर, ये है निराला का पराठा। अब इसको टेस्ट करेंगे हलवे के साथ। يا الله خير، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله وعلى بركة الله। और इसमें देखें एक अच्छी चीज़ वो जो है ये है कि आलू की तरकारी भी इसके अंदर है छोलों के साथ। और ये स्पेशल डलवाई है मैंने कि इससे जो टेस्ट जो है इसका बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। और ये देखिए ज़बरदस्त माशाल्लाह छोले। ज़बरदस्त माशाल्लाह, तबारकअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। हलवे को टेस्ट करते हैं ये पराठे के साथ। इसका एक बाइट बना लिया, ये देखें बड़ा सुंदर सुंदर लग रहा है और बड़ा यमी लग रहा है। माशाल्लाह तबारकअल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऑल ओवर दोनों चीज़ें बहुत अच्छी हैं, पराठा भी अपनी जगह अच्छा है, छोले भी अच्छे हैं, सबका टेस्ट जो है ना ज़बरदस्त आ रहा है। और ये हमारी ये होममेड चाय है जो घर से बना के लेके आए थे। ओहो, बहुत ही गर्म है माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन गर्म है, थोड़ी देर बाद इसको पीते हैं लेकिन मुंह जल जाएगा अभी पियेंगे तो। ऑल ओवर जो है आज जो हमारा ये नाश्ता करने का यहाँ पे जो प्रोग्राम था, क्लाइमेट भी अच्छा था, काफ़ी दिनों से बहुत गर्मी थी, आज रेनी वेदर और क्लाउडी वेदर कॉर्निश पे और जद्दा में बहुत ही ज़बरदस्त। और इत्तेफाक़ की बात है कि आज सैटरडे था और छुट्टी भी थी मेरी, तो मैं लेके चले बच्चों को और साइकिल अपनी गाड़ी में रखी, फोल्डिंग थी इसलिए आराम से रखी जाती है और आराम से चलाई जा सकती है। और बड़ा मज़ा आ गया आज तो, ज़बरदस्त ऑल ओवर जो है एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा आज का, काफ़ी अर्से बाद, इसलिए कि जद्दा में आपको पता है कि गर्मी टेम्परेचर 45-50 टेम्परेचर तकरीबन अराउंड रहता है। अब जो जाके है ना काफ़ी अच्छा वेदर हो गया है माशाल्लाह जद्दा का, और आज का जो टेम्परेचर अभी इस वक्त जो है तकरीबन 27 का है और हल्की हल्की ड्रिजली रेनिंग भी हो रही है, जो इसका मौसम का जो मज़ा है ना इसने दुबला कर दिया है। और कॉर्निश बेड पे फिर जो ब्रेकफास्ट पाती कुछ और है। चाय को टेस्ट करते हैं, देखने में बहुत ज़बरदस्त लग रही है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका, टेस्ट करते हैं इसको। ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत ही यमी चाय बनी हुई आज, क्रीमी चाय माशाल्लाह। ये बादल गरजने की आवाज़ और ये खूबसूरत सा घोंसला
और ये देखिए इसके अंदर जाने का रास्ता इसके, और भी इस दरख्त पे माशाल्लाह तबारकअल्लाह 8-10 घोंसले मेरे को नज़र आ रहे हैं और आपको भी देखें ऊपर नज़र आ रहे होंगे। ये देखिए जद्दा कॉर्निश पे बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह तबारकअल्लाह। ये जो ट्रैक जो है जो ब्रिज पे मैं जाऊँ जिस पे जा रहा हूँ ये आपको सीधा आगे सी पे लेके जाएगा और बहुत ही खूबसूरत आपको लुक देगा। आप देखिएगा ज़रा ये देखिए, और पब्लिक आप देखें माशाल्लाह तबारकअल्लाह विदाउट मास्क है और काफ़ी पब्लिक आई हुई है। ठीक है, ये खूबसूरत मौजें साहिल से टकराते हुए, और ये जद्दा का खूबसूरत साहिल, और ये बर्ड्स खूबसूरत सी बर्ड्स। आप जैसे देख रहे हैं कि कोविड के बाद जो है काफ़ी रश है माशाल्लाह और बड़ी रौनक है, और अल्लाह ताला ने हमको ये नसीब फरमाई कि दोबारा से हालात अपने मामूलात ज़िंदगी वापस आ रही है और तकरीबन आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए उतना अल्लाह का कम है। ये खूबसूरत साहिल जद्दा से, ये खूबसूरत मौजें साहिल से टकराते हुए, और ये लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे बड़े, काफ़ी रश है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, और फुल एंजॉय कर रहे हैं आज के वेदर को, इसलिए काफ़ी अरसे बाद ये वेदर इनको मिला है और इस वेदर को हम भी आज एंजॉय कर रहे हैं, और कुछ तो फिशिंग भी कर रहे हैं सामने, लोग फिशिंग कर रहे हैं। ये देखिए मोहम्मद शफी साहब हैं ये, और ये देखिए इन्होंने प्रॉन्स लगा लिया है अभी, और यहाँ पे फिशिंग करने का भी मज़ा अलग ही है। ये देखें ये प्रॉन है, और इसको थोड़ा कट करके और ये कांटे में इसमें फिक्स किया जाएगा, फिर इसको थ्रो किया जाएगा। ये देखिए ज़बरदस्त, ये 2-3 जगह पे लगाया जाता है इस तरह से, और इसके साथ ही ये जो है वेट है जो इसको आगे लेके जाएगा। अभी ये देखिए किस तरह से ये थ्रो करेंगे, आप इसको ये देखिए थ्रो का, ये देखिए थ्रो कर दिया गया है और ये डीप सी में चले गया, और ये देखिए स्लोली स्लोली जो है इस चरखी से इसको रिवर्स किया खींचा जा रहा है, और ये खूबसूरत क्लियर पानी समंदर का, और ये देखिए जो इस ब्रिज पे मैं खड़ा हूँ काफ़ी डीप, और ये काफ़ी ख़ूबसूरत माशाल्लाह तबारकअल्लाह, और वेदर भी बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखिए खूबसूरत सी फिश, इन्होंने केज में इसको बंद किया हुआ है, ये देखिए ये खूबसूरत सी फिश इनको केज में बंद किया हुआ है माशाल्लाह तबारकअल्लाह, और इसको डीप सी में डाल दिया है ताकि वो ज़िंदा रहे। ये देखिए नीचे बास्केट के अंदर, इसी के अंदर फिश इन्होंने रखी हुई है, और बाकी का शिकार अभी किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह खैर मोहम्मद शफिया, गुड लक गुड लक, थैंक यू। في قفاري دمت الزهور على ضفاف مشاعري وتبدلت سحب المساء بنهاري जद्दा कॉर्निश पे खूबसूरत सी मस्जिद, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह तबारकअल्लाह इस हसीन वेदर में, बहुत ही खूबसूरत लग रही है।
अभी हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ और फुल एंजॉय कर लिया है। और ये खूबसूरत मनाजिर आप देख रहे हैं जद्दा कॉर्निश से, इसलिए कि हमारे जो हैं समीर स्कूल में हैं आज, तो उनको भी ज़रा पिक करना था। और अभी जो टाइम हो रहा है अभी देखिए आप, पूरे 2 बज गए, लोग फुल एंजॉयमेंट कर रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा फूड कोर्ट है यहाँ पे, जितना भी है ये सारा फूड कोर्ट है। ओ हो, ये हमने देखा ही नहीं, नीचे पानी है, बहुत खूबसूरत फूड कोर्ट। मैकडोनल्ड भी यहीं पे है, कॉफ़ी शॉप्स और काफ़ी ब्रांडेड मूविंग पैक आइसक्रीम, ठीक है, ये आप जो देख रहे हैं। और सामने ही किंग बर्गर है और स्टारबक्स कॉफी, शवरमा, काफ़ी बड़ा एरिया है ये। और यहाँ पे काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा आपकी खाने पीने के लिए, और बेहतरीन शॉप्स हैं और सारी ब्रांडेड शॉप्स हैं। आज कॉर्निश पे लोग बाइक लेके निकले हुए हैं, और ये सुजुकी की GX जो है 1000 cc है ये बाइक, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह तबारकल्लाह। और CVR 300, ये 300 है होंडा की, ये है, और सुजुकी की ये GXR 600 cc है ये। और ये रेड देखिए होंडा की 600 cc, बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह तबारकल्लाह। और इसका आप लुक देखें, जस्ट लाइक कार का मीटर है इसका ना, स्पीडोमीटर। और ये इसका बैक लुक, आज ये बाइक्स आपने ये देख ली हैं कॉर्निश पे। तो फिर इसी व्लॉग का मैं यहाँ पे इख्तिताम करता हूँ। आपको वीडियो कैसी लगी अपनी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा अपने भाई को, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे राशिद अली खान 73 पे मौजूद हूँ, फॉलो कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।